हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी चैनल टिक व्यास में। दोस्तों, मैं व्यास मुनि सिंह। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले टॉपिक में टॉपोलॉजी के बारे में बात किया था, तो दोस्तों हमारे पास मल्टीपल टाइप के क्या है, टॉपोलॉजी है, जिसमें बस टॉपोलॉजी, स्टार टॉपोलॉजी, रिंग टॉपोलॉजी, ट्री टॉपोलॉजी एंड मेश टॉपोलॉजी एंड हाइब्रिड टॉपोलॉजी है। तो दोस्तों, इन सभी टॉपोलॉजियों के बारे में वन बाई वन एक एक टॉपोलॉजी के को डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बस टॉपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बस टॉपोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा बस टॉपोलॉजी है वह दिखने में कुछ इस तरह का होता है। जो हमारा बस टॉपोलॉजी है वह दिखने में कुछ इस तरह का होता है। एक्चुअली बस टॉपोलॉजी में जितने भी डिवाइस होता है वह एक सेंट्रलाइज बैकबोन केबल से कनेक्ट होता है। और जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बैकबोन बैकबोन केबल से कनेक्ट हैं। एक्चुअलिटी में कॉक्सियल केबल होती है, दिखने में वो बिल्कुल जो हमारे घरों में टीवी के लिए यूज केबल यूज की जाती है, उसी केबल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉक्सियल केबल कहते हैं। जिससे जो भी हमारे यहाँ पे कंप्यूटर जिस केबल से कनेक्ट है उसे कॉक्सियल केबल कहते हैं। इसमें जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे के सारे इस केबल से कनेक्ट होते हैं। और यहां पर क्या होता है, टी कनेक्टर लगा होता है। यहां पे क्या होता है, टी कनेक्टर लगे होते हैं सारे। यहाँ पे इस जगह पे टी कनेक्टर लगे होते हैं हमारे। और टी कनेक्टर जो हुआ वो दिखने में कुछ इस तरह का होता है। ये हमारा टी कनेक्टर है। और कंप्यूटर के साइड में, इस साइड में कंप्यूटर के इस साइड में बीएनसी कनेक्टर यूज किया जाता है, इस तरह, जो दिखने में कुछ इस तरह का है। और केबल की इंड साइड में, यहाँ पे और इस साइड में बीएनसी टर्मिनेटर लगा होता है, जो दिखने में कुछ इस तरह का होता है। दिखने में कुछ इस तरह का होता है। फिर हम बात करेंगे बस टॉपोलॉजी। तो आज के टाइम में बस टॉपोलॉजी का यूज नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। तो आपके मन में एक सवाल होगा, क्यों यूज नहीं करते हैं, क्या रीजन है इसका? तो सबसे पहले बस टॉपोलॉजी काफी कॉस्टली पड़ती है। जो कॉक्सियल केबल है, टी कनेक्टर है, या केबल कनेक्टर है, या बीएनसी टर्मिनेटर है, ये सब बहुत कॉस्टली पड़ती है, जिसकी वजह से यूज करना काफी कॉस्टली पड़ता है। और इसमें स्पीड भी काफी स्लो मिलती है, 10 Mbps का स्पीड मिलती है। तो इसकी स्पीड भी काफी कम होती है। अगर बात करें आज के टाइम में, तो हमें 1000 Mbps स्पीड चाहिए टॉपोलॉजी में। तो इसके लिए बहुत सी टॉपोलॉजियां हैं। तो और सबसे बड़ी मेन जो है, इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ट्रबल शूटिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, इसलिए जो ट्रबल शूटिंग है वो काफी मुश्किल होती है। अब ट्रबल शूटिंग कैसे मुश्किल होती है, जैसे आपकी जो ये बैकबोन केबल है, जैसे हमारा ये जो बैकबोन केबल है, ये कहीं से टूट जाए या इसमें कहीं से प्रॉब्लम आ जाए, तो कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, पूरा का पूरा हमारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। और इस केबल को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, काफी टाइम वेस्टेज, खराब हो जाता है। इस केबल को रिप्लेस करने में तो मेन प्रॉब्लम इस टॉपोलॉजी में जो है वह क्या है, ट्रबल शूटिंग की। तो इसमें दो दो मुश्किलें हैं, एक तो स्पीड कम होती है, दूसरा इसकी ट्रबल शूटिंग काफी मुश्किल रहती है। तो हमारे पास और भी टॉपोलॉजियां हैं जिसमें स्पीड भी अच्छी मिलती है, ट्रबल शूटिंग भी इजी होती है। तो यही कारण है आज के टाइम में बस टॉपोलॉजी का यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बस टॉपोलॉजी के बारे में ही जानते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार टॉपोलॉजी, मेश टॉपोलॉजी, हाइब्रिड टॉपोलॉजी एक एक करके जानते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, धन्यवाद।